नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 10 जनवरी दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आएगा शंभु राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शिव जी लिखें, शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 10 जनवरी 2022 दिन सोमवार, आज की तिथि अष्टमी, आज का नक्षत्र रेवती नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:41 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है दोपहर 12:07 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:49 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 7 और शुभ रंग है हल्का हरा, नीला और सफेद। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर चाहते हैं सुखी जीवन व्यतीत करना तो ये बातें आपके लिए बेहद जरूरी, आइए जानते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज पूरे संसार में प्रचलित हैं, उनकी बातें जीवन के लिहाज से बेहद सही हैं, लेकिन हम और आप उनकी बातों को इत्तेफाक नहीं रखते और शायद यही वजह है कि अपने जीवन में ठोकर खाते रहते हैं। हम आचार्य चाणक्य की बातों को लेकर गंभीर नहीं हो पाते, हमें लगता है कि उन्होंने केवल कहने के लिए ये बातें कह दी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जीवन की गूढ़ से गूढ़ बातें भी अपने नीति शास्त्र में निहित की हैं जो हम सबको जाननी चाहिए और उन अनमोल बातों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में हमेशा आगे ही रहेंगे। आज हम उनकी एक और नीति के बारे में बात करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। जिस देश में मान सम्मान आजीविका गुरु माता पिता विद्या प्राप्ति के कोई भी साधन उपलब्ध ना हो उस देश को उस स्थान को जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए। नंबर 1 मान सम्मान। आज के समय में हर एक व्यक्ति को मान सम्मान की आवश्यकता होती है, बिना इसके वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भी भिखारी भीख मांगने आता है और आप उसे धुतकार कर पैसे देंगे तो वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो सोचिए कि मान सम्मान की आवश्यकता उस व्यक्ति को कैसे नहीं होगी जो स्वयं कमाकर खाता है। वास्तव में एक व्यक्ति धन के बिना रह सकता है लेकिन मान सम्मान के बिना नहीं रह सकता। नंबर 2 वित्तीय यानी रोजगार। रोजगार के बिना एक व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो बिना रोजगार के कहीं नहीं रह सकता। उसे अपने जीवन जीने के लिए आजीविका की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने रोजगार में श्रम कर सके। अगर धन की प्राप्ति होगी तो वो अपनी आजीविका अच्छे से चला पाएगा। बिना वित्तीय या किसी भी आश्रय के सहारे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। नंबर 3 संबंधी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका निवास स्थान होता है, वो लोगों से दूर नहीं रह सकता। अकेला जीवन जीना संभव नहीं हो पाता। जब भी किसी तरह की विपत्ति जीवन में आती है तो उसे अपनों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। उस विपत्ति में दोस्त संबंधी या परिवार साथ खड़े होते हैं जिससे उस व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सहारा मिल सकता है। नंबर 4 अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए एक व्यक्ति को विद्या की अधिक आवश्यकता होती है। अगर वो विद्या ग्रहण नहीं करेगा तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर वो किसी कारणवश विद्या ग्रहण नहीं कर पाता तो उसे आने वाली पीढ़ी के लिए परम आवश्यक हो जाता है। बिना विद्या के मनुष्य का विकास असंभव है। दोस्तों आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आज के रोज जो भावुक मिजाज आप पर छाया हुआ है उसे निकालने के लिए बीती बातों को दिल से निकाल दीजिए। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके आपके सामने आएंगे। आपको अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे का प्रबंध ना करने दें, नहीं तो जल्दी आप अपने तयशुदा बजट से कहीं आगे निकल जाएंगे। गलत फहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है। नई साझेदारी
आज के लिए लाभकारी रहेगी। परोपकार और सामाजिक कार्य आज आपको आकर्षित करेंगे। अगर आप ऐसे अच्छे कामों में थोड़ा समय लगाएंगे तो काफी सकारात्मक बदलाव आप ला सकते हैं। जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, आपके साथ सब सही होगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं, आपका परिश्रम आज फल दे सकता है। आप अपना धैर्य बनाए रखें, आज आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, व्यवसाय में संतुष्टि रहेगी, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, अपने सहकर्मियों से मदद मिलने की आपको संभावना अधिक रहेगी, विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं, विदेश जाने की योजना बनेंगे, कैरियर के लिहाज से दिन यादगार रहेगा और जो भी प्रस्ताव है उन पर बातचीत करने से आप पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि बिना सूची और बजट के कभी आप घर का सामान खरीदने ना जाएं। कूपन और छूट के लिए देखें, क्योंकि वे एक बड़ा अंतर आपको में ला सकते हैं। कोई सहकर्मी आज आपकी टेंशन में रहेगा। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका साथी प्रयास नहीं कर पा रहा है या अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसका परिणाम आपको थोड़ा उदास और गलत समझा जा सकता है। कार्यों को पूरा करने में आप एकल संगत अधिक केंद्रित कराएंगे। अकेले यात्रा करने से आपको खुद को गहरे स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। यह आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आपके लिए आने वाला है। साथ ही आपको बताएं कि आपको उन लोगों के साथ समय बिताने पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिनकी आप परवाह करते हैं। उन्हें आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी की आपको उनकी जरूरत है। आप उन्हें कॉल करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। साथ ही आपको बताएं, आपको इस राशि में धन लाभ का बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। आपकी मानसिक ऊर्जा चरम पर रहेगी। संतान को बड़ी सफलता मिलने से आपकी प्रसन्नता में इजाफा होगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना आपके तनाव मुक्त रहने में आपके लिए मददगार साबित होगा। दाम्पत्य जीवन काफी सुखपूर्वक रहने की संभावना रहेगी। जीवन साथी के साथ आपकी खूब जमेगी। इस दौरान आप दोनों को एक साथ वक्त बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। सेहत का मामला उत्तम रहेगा, जिससे आप प्रत्येक काम शीघ्रता से कर पाएंगे। काम की वजह से नौकरी में आपके प्रमोशन होने के आसार हैं। छात्रों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। साथ ही आपको बताएं, पार्टनरशिप में चल रहा बिजनेस आपको अच्छा लाभ दे सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ मित्रों के साथ मनाया गया जश्न आपको अत्यधिक आनंद देगा। आपके अतीत से कोई आपके संपर्क में आएगा और आज का दिन आपके लिए एक यादगार का दिन बन जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ आप अपनी अतरंग भावनाओं को साझा करने के लिए आज बढ़िया दिन है। आपको अपने काम के लिए मान्यता और पुरस्कार प्राप्त होंगे। सहकर्मी और महत्व आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। सकारात्मक और रचनात्मक पहल करने के लिए यह समय अच्छा है। आराम और सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन रहेंगे। साथ ही आज का दिन अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कार्यों में आपको पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए जरूरत है। आज का दिन आपके लिए भावनात्मक ताजगी और नवीनीकरण लाएगा। आज का मिजाज सकारात्मक होगा और आप दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव बनाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपको बताएं, आज अपनी कार्य कुशलता के दम पर कई महत्वपूर्ण कार्य बेहतरीन तरीके से पूर्ण करेंगे। शेयर मार्केट और रिस्क संबंधी कार्यों में आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। सिर्फ दिल की अपेक्षा दिमाग से निर्णय लेने की जरूरत है। साथ ही आपके विरोधी जलन की भावना से आपके खिलाफ अफवाह फैला सकते हैं, परंतु इस समय परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की जरूरत है। गुस्से और उत्तेजना को समस्या आपकी बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात के भी अवसर बनेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, दिन का ज्यादातर वक्त मार्केटिंग और बाहरी गतिविधियों में व्यतीत होगा। कर्मचारी के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद आज हल हो सकता है और आपके काम पहले की तरह सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, आज आप अपने प्रेमी प्रेमिका को घूमने का ऑफर कर सकते हैं, तभी आपके प्रेम जीवन में वृद्धि होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के संयोग संभावना उत्पन्न हो सकती है। और आज एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी सहयोग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेने में सक्षम होंगे और अपने प्रियतम को स्पेशल फील करेंगे। इससे आपके प्रेम जीवन मधुरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भी वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेम संबंधों को लेकर आज स्थितियाँ आपके काफी अनुकूल रहने वाली है, परंतु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रयत्न करें। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, अगर दोस्तों आप किसी से प्यार करते हैं और उन्हें पता ही नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में एक दूसरे को समझना और समझाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो दोस्तों,
आपके शरीर को वास्तव में कम से कम 7 घंटे सोने की आवश्यकता होती है और आप वर्तमान में अपने शरीर को वह समय नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। आपको अपने सोने के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको बताएं, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।